दादी माँ, दादी माँ, क्या है रे? कहाँ है वो? कौन? उज्जैनी, लगता है अभी तक नहीं आई। अंदर कमरे में सोई है, मेरा नाम मत बताना, मारेगी मुझे। नहीं बताऊंगी बोला था, फिर भी बताया। क्यों हंस रही हो? शर्म की बात है, कहाँ गई वो? मैं इधर हूँ। तुमको? एए, रुको, एए, रुको, रुकने के लिए बोल रही हूँ ना, नहीं रुकी तो तुम्हें मेरी कसम। मम्मी मम्मी, मौसी को मत मारो। वो टैंकर्स का पंगा क्या है? बैंक में अगर पैसा नहीं तो अमीर को कष्ट है, टैंक में अगर पानी नहीं तो गरीब को कष्ट है। बड़ी आई वीरांगना नारी बनके स्ट्रीट फाइट करने। दादी माँ, दादी माँ की बच्ची, आप भी सुन लीजिए, आज इसे खाना मत देना। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। आप पर भरोसा करना ठीक नहीं। चढ़ के रसोई में जाके चावल अंडे सब कुछ लेकर आऊं और तुम खाकर सो जाओगी, है ना मेरी प्यारी? अगर मैं सीढ़ी से फिसल गई और तब मेरी कमर का होगा। हे हे, फेंक दो बाहर, 5 महीने से भाड़ा नहीं दिया, ऊपर से मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ते हैं ये। फेंको, फेंको, निकालो सब सामान बाहर फेंको। अरे बापू राव जी, ऐसे खाली कराना आपको अच्छा लगता है क्या? 2 दिन टाइम दीजिए सर, 2 दिन। 2 दिन नहीं रे, 2 मिनट भी टाइम नहीं दूंगा, इसी समय खाली करना है। मुझे बेवकूफ समझा क्या? ये देख 5,000 रुपए, गुंडे को देकर तेरी हड्डी पसरी एक कराऊंगा मैं। बाबू राव जी, अरे तेरे घर में नाला खुद जाएगा रे, ऐसे क्यों गिराया? मेरी कमर टेढ़ी हो गई। बाबूराव जी, हाँ? हमें माफ कर दीजिए बाबूराव जी। अरे कोई माफी ऐसे मांगता है क्या? कोई देखेगा तो कहेगा मुंह से मुंह सटाकर प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है। अब आप भी हमें कोई रास्ता दिखाइए ना। पहले तू ऊपर उठ, हाँ? मुझे उठा, हाँ? उसके बाद रास्ता दिखाऊंगा। उठिए, ये टोपी लगा लीजिए, अब दिखाइए सर रास्ता। हाँ दादा, तुझे जो रास्ता दिखाना है मैं बताता हूँ। हट यहाँ से, निकल, चल फूट यहाँ से। चलो दोस्त, जाना पड़ेगा। फिर इधर नजर आए तो गला दबा दूंगा। साहब काम खत्म हो गया, पैसा दो। दे दूंगा भाई, इतना घबराते क्यों हो? नया नया है क्या ये? अरे पैसा किधर गया रे? तूने निकाला क्या? तूने निकाला? तेरे पास है क्या? मजाक मुझे पसंद नहीं है। मजाक नहीं कर रहा, मेरे पैसे नहीं मिल रहे। अरे बाप रे, ये तो पीछे पड़ गया। भागो, निकल ले पतली गली से। अरे बाप रे, यहीं पे बैठ जाता हूँ। हे भगवान, शेर मुझे देखकर डरते हैं, ये कुत्ता तो ऐसे ही पीछे पड़ गया। ए चंद्रा, चंद्रा, अरे बाप रे, ये इधर ही आ रहा है। चंद्रा, कौन है अंदर? कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है अंदर। फिर ये आवाज कैसे आ रही है अंदर से? ए, तुझे मैं जानता हूँ, तू अंदर ही है। अरे बाहर निकल। भाई कौन है महाशय? काम वाला हूँ, पड़ोस में रहता हूँ, घर में कोई नहीं है इसीलिए चक्की पीस रहा था, तभी तो आटा दे पाऊंगा ना। थोड़ी देर में ये छेद वाला बड़ा बना कर दे दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, तू पड़ोस वाला है? हाँ जी। चक्की पीसने आया है? हाँ जी। तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, अब भी मैं तुझे बताता हाँ। हूँ कि मेरे पीछे कुत्ते भले ही पड़े हूँ लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। नमस्ते सर, आपने अच्छा पहचान लिया मुझे, ऐसे ही आपको मैं बना रहा था। ये क्या सर, कुत्ते ने काट लिया है क्या आपको? आटे से मारूंगा तुझे, पत्थर से सर पे मारूंगा तो मर जाओगे।
क्या भाई, 5 महीने से भाड़ा नहीं दिया? 8 दिन पहले देता हूँ ऐसा बोला, 10 दिन के बाद भी आया तो भी तेरे पास पैसे नहीं है। अब आज क्या बहाना मारेगा तू? टी शर्ट के लिए पैसे हैं, बेल्ट के लिए पैसे हैं, पैंट के लिए पैसे हैं, मेरे भाड़े के लिए पैसे नहीं तेरे पास? अरे बाप रे, ये फोटो। देखिए, फोटो बोले तो याद आया, आपके घर में आपका लाइफ साइज फोटो है? मेरी लाइफ साइज फोटो ही नहीं, लाइफ में कोई फोटो ही नहीं है। नहीं, अभी निकाल दूंगा, आइए। नहीं चाहिए, फ्री में निकाल दूंगा। फ्री में तो निकाल लो। बाबूराव जी, फोटो लाइफ में बहुत खास है। कल एक्सीडेंट में आपका पैर या हाथ नहीं रहा तो फोटो में था ऐसा सोचकर आप खुश हो जाइएगा। अगर आप ही चल बसे तो हम जैसे दयावान आपके फोटो को हार पहना के खुश हो लेंगे, क्या कहते हो? कितना अच्छा आइडिया दिया रे। हाथ हटा, कभी पैसे ना देना पड़े ये सोच रहे हो? अरे अरे, तुम लोगों को मैं मार दूंगा रे, तुम लोगों को मैं काट खाऊंगा रे। मरने वाले को हार पहनाने के लिए फोटो निकालते हो तुम लोग? अरे तुम लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है? 5 महीने से घुमा रहे हो मुझे। मेरा भाड़ा दे, नहीं सुनूंगा मैं। साहब, मुझे इसीलिए मुझे टेंशन है। बैंगन कैसे दिए? 12 रुपए। कितना? 12 रुपए किलो। बैंगन का भाव बता रहे हो कि सोने का भाव बता रहे हो? अरे जा बढ़िया ही खरीदने। क्या बोला? नमस्ते मैडम, 6 रुपए किलो। अरे ये क्या हुआ, अभी तो तुमने 12 रुपए बताए थे आप 6। अरे पगली कहीं की, तू तो बड़ी भोली भाली सी दिखती है ना। अरे इसको देख के डर गया ये लफंगा। 12 रुपए में ले लो। ये आलू कैसे दिए? 5 रुपए साहब। सुनो तो दीदी, मैं अभी आती हूँ। नमस्ते सर। तुम वही लड़की हो ना जो उस दिन लड़ाई कर रही थी, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ सर, लेकिन आप DIG होकर मार्केट में कैसे आए? क्या तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बीवी से डरकर मार्केट आया हूँ? मेरी बीवी मुझसे बहुत डरती है। जानती हो मेरे घर का नाम क्या है? टाइगर। मार्केट में बिल्ली सर, आप तो टाइगर है सर। रुक, पी कर आया हूँ ये कह के मुझे ऑफिस से निकाल दिया। आप तेरा हाथ पकड़ूंगा, क्या करेंगे? फिर इस लड़की के आसपास दिखाई दिया तो अंदर कर दूंगा। फेंक दो बाहर। 5 महीने से भाड़ा नहीं दिया, ऊपर से मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ते हैं ये। फेंको, निकालो सब सामान बाहर, फेंको। अरे बाबू राव जी, ऐसे खाली कराना आपको अच्छा लगता है क्या? 2 दिन टाइम दीजिए सर, 2 दिन। 2 दिन नहीं रे, 2 मिनट भी टाइम नहीं दूंगा, इसी समय खाली करना है। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ये देख 5000 रुपए, गुंडे को देकर तेरी हड्डी पसरी एक कराऊंगा मैं। बाबू राव जी, अरे तेरे घर में नाला खुद जाएगा रे, ऐसे क्यों गिराया? मेरी कमर टेढ़ी हो गई। बाबूराव जी, हाँ? हमें माफ कर दीजिए बाबूराव जी। अरे कोई माफी ऐसे मांगता है क्या? कोई देखेगा तो कहेगा मुंह से मुंह सटाकर प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है। अब आप भी हमें कोई रास्ता दिखाइए ना। पहले तू ऊपर उठ। हाँ? मुझे उठा। हाँ? उसके बाद रास्ता दिखाऊंगा। उठिए, ये टोपी लगा लीजिए। अब दिखाइए सर रास्ता। तुझे जो रास्ता दिखाना है मैं बताता हूँ। हट यहाँ से, निकल, चल फूट यहाँ से। चलो दोस्त, जाना पड़ेगा। फिर इधर नजर आए तो गला दबा दूंगा। साहब काम खत्म हो गया, पैसा दो। दे दूंगा भाई, इतना घबराते क्यों हो? नया नया है क्या ये? अरे पैसा किधर गया रे? तूने निकाला क्या? तूने निकाला? तेरे पास है क्या? मजाक मुझे पसंद नहीं है। मजाक नहीं कर रहा, मेरे पैसे नहीं मिल रहे।